नमस्कार। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के ई पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। ये कोर्स एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 3 फिजिकल केमिस्ट्री के लिए डिजाइन किया गया है। आज का जो हमारा यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू एग्जैक्ट क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट्स, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। आज का टॉपिक पढ़ने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, बोहर्स थ्योरी के बारे में, प्लैंक्स लॉ के बारे में, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आंसर व्हाट आर एक्सेप्टेबल वेव फंक्शंस, व्हाट इज बॉर्न स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन एंड व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, what is the wave function of a particle in one dimensional box and certain numerical problems associated with the particle in 1D box. मैं डॉक्टर पूजा गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट एमवीएम कॉलेज भोपाल से। इस लेक्चर से पहले भी मेरा एक लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है जो पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में था, जिसमें हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में भी डिस्कस किया था। देखिए, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाय डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाय डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन के बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं और सभी सोल्यूशन साई की वैल्यू देते हैं, बट दीज ऑल सोल्यूशन आर नॉट एक्सेप्टेबल। तो एक्सेप्टेबल कौन से होंगे? ओनली दोज वेव फंक्शंस आर एक्सेप्टेबल व्हिच फॉलो द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस। जो साई की वैल्यू निकल के आती है, इट मस्ट बी सिंगल वैल्यू, इट मस्ट हैव अ फाइनाइट वैल्यू, देन इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स इन स्पेस। अगर कोई भी वेव फंक्शन ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो वो वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल कहलाता है, और हम कह सकते हैं वेल बिहेव्ड कहते हैं हम उस वेव फंक्शन को। साई की वैल्यू एक्सेप्टेबल है कि नहीं, इसे देखने के लिए हम ये चार ग्राफ्स डिस्कस करते हैं। पहला ग्राफ देखिए, ये ग्राफ्स हमने बनाए हैं साई वर्सेस एक्स, साई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो पहला ग्राफ देखते हैं, देखिए इसमें हर एक एक्स की वैल्यू के लिए साई की वैल्यू डिफरेंट है, मीन्स एक एक्स की वैल्यू के लिए सिर्फ एक ही साई की वैल्यू है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो साई की वैल्यू है दैट इज सिंगल वैल्यू, क्योंकि हम इसे ग्राफ से निकाल सकते हैं तो इट इज फाइनाइट आल्सो। बट ये देखिए, जब आप ये ग्राफ को देखेंगे तो ये ग्राफ x इज इक्वल टू 5 पे आके खत्म हो गया है, मीन्स ये कंटिन्यूअस नहीं है, खत्म हो गया है, इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सेकेंड ग्राफ को देखते हैं, देखिए जब हम सेकेंड ग्राफ को देखते हैं तो ये देखिए, जब ये हमारे x की वैल्यू 3 के पास है, देखिए मैंने ये दो रेड लाइन से दो लाइंस बनाई हुई हैं, तो साई इज इक्वल टू, मान लीजिए अगर ये 2.8 है तो 2.8 पे देखिए साई की दो वैल्यूज है, साई 1 एंड साई 2। तो एक ही x पे साई की दो वैल्यूज है, मीन्स साई इज नॉट सिंगल वैल्यूड, फाइनाइट तो है क्योंकि हम इसे ग्राफ से निकाल सकते हैं, कंटिन्यूअस भी है क्योंकि देखिए ये ग्राफ चलता जा रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, चलता जा रहा है, कहां तक जाएगा हमें पता नहीं, सो दिस इज कंटिन्यूअस ऑल्सो। लेकिन क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए ये भी एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं है। थर्ड ग्राफ देखिए, थर्ड ग्राफ में अगर कोई भी एक्स की वैल्यू लेंगे तो आप यही देखेंगे कि फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ साई, तो साई इज सिंगल वैल्यू, कंटिन्यूअस तो है, देखिए ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, कहीं कहां जाएगा हमें पता नहीं है, बट ये फाइनाइट नहीं है। क्यों? क्योंकि साई की वैल्यू देखिए इसमें बढ़ती चली जा रही है, कहां तक जाएगी हमें नहीं पता, सो साई इज नॉट फाइनाइट हियर, तीनों वैल्यूज इसमें भी फुलफिल नहीं हो रही है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्टेबल सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। सो नाउ कम टू दिस फोर्थ ग्राफ, देखिए
हर एक एक्स की वैल्यू के लिए साई की वैल्यू अलग है। एक एक्स के लिए साई की सिर्फ एक ही वैल्यू है, सो साई इज सिंगल वैल्यूड। कंटिन्यूअस तो है ये ग्राफ, चलता चला जाएगा ऐसे, दिस इज लाइक अ साइन वेव, तो ये ग्राफ चलता चला जाएगा, तो ये कंटिन्यूअस भी हो गया, सिंगल वैल्यूड भी हो गया, क्योंकि हम ग्राफ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये फाइनाइट भी है। सो इस तरह से ये जो फोर्थ ग्राफ है ये एक्सेप्टेबल है, इससे जो भी साई की वैल्यू आएगी वो एक्सेप्टेबल वैल्यू कहलाएगी। इन सभी कंडीशंस के अलावा कभी कभी हम कहते हैं दैट द वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन मीन्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल टेकन ओवर ऑल द स्पेस मस्ट बी वन। सो इट शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। इन वन डायमेंशन इंटेग्रल ओवर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई डी एक्स शुड बी इक्वल टू वन, और माइनस साई स्टार टू साई स्टार इंटेग्रल साई स्क्वायर डी एक्स शुड बी इक्वल टू वन। दिस साई स्टार इज द इमेजिनरी वैल्यू ऑफ साई। बेसिकली साई एंड साई स्टार आर सेम। इन थ्री डायमेंशन इट शुड फॉलो, इट शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन वेर डी टाउ इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड। Every wave function must fulfill this condition. If the wave function obtained from Schrödinger equation does not satisfy this condition, then it has to be multiplied by a factor called as normalization factor, so that the wave function becomes normalized. Sometimes we say that the wave function is orthogonal. What does orthogonal means? Mathematically, orthogonality means that the product of two wave functions integrated over the whole space must be zero. So minus psi to plus psi integral of psi I star psi j d tau is equal to zero, or integral over minus psi to plus psi d psi I psi j star d tau should be equal to zero. Here psi I is not equal to psi j. This is the first condition for orthogonality. If psi I becomes equal to psi j, then these wave functions becomes normalized. So this is the meaning of orthogonal wave function. Now there is one important law of quantum mechanics, that is Born statistical interpretation. What is this Born statistical interpretation? ये हमें Schrödinger wave equation को solve करने में बहुत help करता है. Other than orthogonality and normalization, the wave function must satisfy one more condition, that is Born statistical interpretation. According to Born statistical interpretation, if psi x is the wave function of a particle, then the probability of finding the particle within the range from x is equal to x to x plus dx is given by the following relation. This px is the probability density and px dx is the probability of finding the particle. So this probability is given by psi square dx. So the total probability of the finding of the particle must be unity. Therefore we have this integral of minus psi to plus psi px dx should be equal to 1. Now we have to apply these laws of quantum mechanics to some problems. The first problem is particle in one dimensional box. Today we will consider the particle in one dimensional box. In next lecture we will cover the particle in three dimensional box. Particle in one dimensional box. As the name indicates, ek particle hai which is confined to move only in one direction. Suppose in present case हमने माना है कि हमारा particle सिर्फ x direction में move कर रहा है, and this box is of the length a. क्योंकि particle सिर्फ एक ही direction में move कर रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि उसकी potential energy constant है, and for the sake of simplicity in the calculations हम पोटेंशियल एनर्जी बॉक्स के अंदर जीरो एज्यूम करके चलते हैं। इसमें हमारी एक और अजम्पशन है कि एट द वॉल्स ऑफ दिस
बॉक्स एंड आउटसाइड दिस बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी इज इनफाइनाइट. सो दो बेसिक कंडीशंस इस को सॉल्व करने के लिए है. इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एंड एट द वॉल्स ऑफ द बॉक्स एंड आउटसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी इज इनफाइनाइट. सो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर थ्री डायमेंशन इज, थ्री डायमेंशनल मोशन के लिए हमारे पास इक्वेशन वन है, बट वेन वी आर कंसिडरिंग मोशन इन वन डायमेंशनल वी विल ड्रॉप द टर्म्स विच कंटेन्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स एंड ऑल्सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी इक्वल टू जीरो वी गेट इक्वेशन टू, डी स्क्वेयर साई बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस एट पाई स्क्वेयर एम अपॉन एच स्क्वेयर ई माइनस जीरो साई इज इक्वल टू जीरो. Now, on rearranging equation 3, we get d square psi by dx square. This is equal to minus 8 pi square m upon h square e psi. This is equation 4. अगर हम equation 4 को देखते हैं तो हमें पता चलता है, देखिए जो right hand side वाली term है 8 pi m h and e. These all are constants. देखिए ये सभी टर्म्स कांस्टेंट है, तो क्या इन सभी कांस्टेंट टर्म्स की जगह हम एक सिंगल टर्म रख सकते हैं? यस वी कैन डू दैट एंड देयर इज अ सिंगल टर्म के स्क्वायर फॉर दिस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई. दिस इज इक्वेशन 6a. अब हम 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई को के स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, वी विल गेट इक्वेशन 6. The general solution of this equation 6 is psi is equal to a sin kx plus b cos kx. This solution of psi is applicable for all equations of this type. D square psi upon dx square is equal to minus k square psi. पर ये solutions तभी applicable हैं जब ये boundary conditions को satisfy करते हैं जो हमने वन डायमेंशनल मोशन को कंसीडर करते हुए ली थी. हमारे केस में बाउंड्री कंडीशंस क्या है? दैट साई इज इक्वल टू जीरो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड साई इज इक्वल टू जीरो एट एक्स इज इक्वल टू ए. तो हम हमारी बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करते हैं इक्वेशन 7 पे और देखते हैं हमें साई का क्या सोल्यूशन मिलता है. तो हमने पहले पुट किया साई इज इक्वल टू जीरो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो. जब हम साई को जीरो पुट करते हैं और एक्स को भी जीरो पुट करते हैं तो देखिए ये आता है साइन जीरो की वैल्यू, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है एंड कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है. तो हमें फाइनली बी इज इक्वल टू जीरो मिलता है. सो बी इज इक्वल टू जीरो हम इक्वेशन 7 में पुट करते हैं तो हमें मिला साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स. अब हमें दूसरी कंडीशन को यहाँ पे रखना है, दैट इज साई इज इक्वल टू जीरो एट एक्स इज इक्वल टू ए. तो हमारी इक्वेशन 8 क्या बन जाएगी? जीरो इज इक्वल टू ए साइन के ए. अब ए साइन के ए जीरो कब होगा? दिस कंडीशन कैन ओनली बी फुलफिल्ड या तो आपका ए जीरो हो या फिर आपका साइन के ए जीरो हो. तो देखिए ए जीरो नहीं हो सकता. ए जीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि a जीरो हो गया तो साई की वैल्यू हर x की वैल्यू के लिए जीरो हो जाएगी. लेकिन हमारी कंडीशन क्या थी? साई सिर्फ वॉल्स पे जीरो है. हमारे बॉक्स के अंदर साई की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती. लेकिन अगर हम a को जीरो रख देंगे तो साई x की हर वैल्यू के लिए जीरो हो जाएगा. सो a कैनॉट बी जीरो. तो जीरो क्या हो सकता है? साइन के ए की वैल्यू जीरो हो सकती है. कैसे? साइन के ए की वैल्यू जीरो कैसे होगी? व्हेन के ए इज द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एन पाई. देखिए साइन की वैल्यू जीरो कब होती है? जीरो पे जीरो होती है या फिर पाई पे जीरो होती है या टू पाई पे जीरो होती है. जब हम इसको आगे लेते जाएंगे तो आपको पता चलेगा थ्री पाई पे जीरो होती है, फोर पाई पे जीरो होती है. देखिए ये साइन वेव है. द वैल्यू इज जीरो एट पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, फाइव पाई, सिक्स पाई. जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे पाई की वैल्यू जीरो होती चली जाएगी. सो फ्रॉम दिस टेबल वी कैन से दैट साइन के ए विल बी जीरो फॉर इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई. सो के ए इज इक्वल टू एन पाई.
दिस इज 8A इक्वेशन। के ए इज इक्वल टू एन पाई से हमें क्या मिलता है, के की वैल्यू दैट इज एन पाई बाय ए। अब इससे हमें एक और चीज पता चलती है दैट एन की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो के विल बी जीरो फॉर ऑल वैल्यूज एंड साई विल बी जीरो एवरीवेयर इन साइड द बॉक्स विच कैन नॉट बी देयर। सो एन कैन हैव वैल्यूज एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड फर्दर। जब हम k की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 8 में तो देखिए हमें क्या मिलता है, साई इज इक्वल टू ए साइन एन पाई ए बाय एन पाई बाय ए इनटू एक्स। दिस इज इक्वेशन 9 वेयर एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ए इज द लेंथ ऑफ द बॉक्स। साई ऑब्टेन्ड फ्रॉम अबव इक्वेशन गिव्स एक्सेप्टेबल वेव फंक्शंस कॉल्ड एज आइगन फंक्शंस। इसकी बात भी हमने फर्स्ट लेक्चर में की थी आइगन फंक्शंस की बात। अब साई की वैल्यू निकल आई है ए साइन एन पाई बाय ए इनटू एक्स, पर अभी भी हमें ए की वैल्यू नहीं पता कैपिटल ए की कि क्या होती है। सो वी नीड टू नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन बिकॉज द वेव फंक्शन शुड ऑल्सो सेटिस्फाई बॉर्न स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन, और इससे हम ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इसलिए हमें बॉर्न स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन लगाना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू बॉर्न इंटरप्रिटेशन इंटेग्रल ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो टू ए साई स्क्वायर डी एक्स शुड बी 1। इसका मतलब ये है कि जीरो से लेके ए के बीच में कहीं ना कहीं तो पार्टिकल है, सो साई स्क्वायर डी एक्स इट शुड बी इक्वल टू 1। सो पुट द वैल्यू ऑफ साई फ्रॉम इक्वेशन 9। तो हमने 9 से साई की वैल्यू यहाँ पे रख दी है। ए क्योंकि कांस्टेंट है तो हम इसे इंटेग्रल से बाहर निकाल सकते हैं। तो ए स्क्वायर इंटेग्रल ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो टू ए साइन स्क्वायर एन पाई बाय एन पाई एक्स अपॉन ए डीएक्स इट शुड बी इक्वल टू 1। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें ए की वैल्यू मिलती है 2 बाय ए का स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू रूट 2 बाय ए। एंड क्योंकि हमें पता है साई इज इक्वल टू ए साइन एन पाई बाय ए इनटू एक्स होता है तो हम यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमें मिलता है साई इज इक्वल टू रूट 2 बाय ए साइन एन पाई बाय ए इनटू एक्स। दिस इज द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। व्हाट अबाउट द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स? इक्वेशन 6A थी हमारी, k स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर इनटू e। यहां से हमें e की वैल्यू निकल आएगी, e इज इक्वल टू k स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m। यहां पे हम k स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे n पाई बाय a। तो देखिए हमें फॉर लोएस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी n शुड बी इक्वल टू 1, देयरफॉर e 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एज जीरो पॉइंट एनर्जी। जीरो पॉइंट एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी दैट इज पजेस्ड बाय एनी पार्टिकल। एंड ये जीरो पॉइंट एनर्जी हो गई, और अब हमें देखना है कि दो कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स के बीच में कितना एनर्जी सेपरेशन है। डेल्टा ई दिस इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन। तो देखिए ई एन प्लस वन माइनस ई एन, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर, एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर 2 एन प्लस वन। ये हमारी दो एनर्जी लेवल्स के बीच का एनर्जी सेपरेशन है। देखिए ये एनर्जी लेवल्स हैं पार्टिकल्स इन वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए। एन इज इक्वल टू 1 के लिए आपकी एनर्जी है, आप एच एन की वैल्यू को 1 रख देंगे। देखिए ये अपना फॉर्मूला है ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर। तो जब आप एन की वैल्यू 1 रख देंगे तो आपको ई 1 मिल जाएगा, जब एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो आपको ई 2 मिल जाएगा, एन की वैल्यू 3 ई 3, एन की वैल्यू 4 ई 4। तो इससे आप ये देखेंगे कि जो एनर्जी है उसकी कुछ फिक्स्ड वैल्यू ही है, फिक्स्ड वैल्यू है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ एन। ऐसा नहीं है कि
कि कोई भी वैल्यू एनर्जी की हो सकती है. एनर्जी कैन हैव ओनली सर्टेन फिक्स्ड वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एन. इसलिए हम कहते हैं कि जो एनर्जी है पार्टिकल की वो क्वांटाइज्ड है, मतलब उसकी वैल्यूज क्वांटाइज्ड है. कुछ फिक्स्ड वैल्यू ही हो सकती है एनर्जी की, कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती. अब नेक्स्ट हमें देखना है कि जो वेव फंक्शन है 1D बॉक्स में जो पार्टिकल है उसका, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. साई की वैल्यू तो हमें पता है, दैट साई इज इक्वल टू रूट 2 बाय ए साइन एन पाई बाय इन टू एक्स. ये राइट हैंड साइड में हमने दिया है द प्लॉट ऑफ साई फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन. तो अब ये देखते हैं कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. देखिए आप, हमने यहाँ पे एन इज इक्वल टू 4 तक प्लॉट बनाया हुआ है, तो इनको देख के पता चलता है कि साई की वैल्यू जो है वो जीरो है एट द वॉल्स. जो वॉल्स हैं उन पे साई की वैल्यू जीरो है, पर कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं बॉक्स के अंदर जहां पे साई की वैल्यू जीरो है. ऐसे पॉइंट्स बॉक्स के अंदर जहां पे साई की वैल्यू जीरो है आर कॉल्ड एज नोड्स. हम उन्हें नोड्स कहते हैं. फॉर एन इज इक्वल टू 1, देखिए एन इज इक्वल टू 1 के लिए कोई भी नोड नहीं है, सिर्फ वॉल्स पे जीरो होता है, बाकी कोई नोड नहीं है. एन इज इक्वल टू 2 के लिए 1 नोड है, ये सेंटर में. एन इज इक्वल टू 3 के लिए 2 नोड्स हैं, देखिए. सो इस तरह से जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ नोड्स बढ़ते जाएंगे, तो नंबर ऑफ नोड्स एक फॉर्मूले से दिया जाता है, दैट इज इक्वल टू एन माइनस 1. जो भी आपकी n की वैल्यू है उसमें से अगर एक माइनस कर देंगे, यू विल गेट द नंबर ऑफ नोड्स. ये है साई स्क्वायर का प्लॉट एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस. साई स्क्वायर गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल एट वेरियस पॉइंट्स इन द बॉक्स एंड साई स्क्वायर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन. साई का स्क्वायर कर देंगे तो हमें साई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी एंड इट इज इक्वल टू 2 बाय ए साइन स्क्वायर एन पाई बाय ए इनटू एक्स. तो देखिए ये ग्राफ देख के पता चलता है दैट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज नॉट यूनिफॉर्म इनसाइड द बॉक्स. देखिए कहीं तो ये बढ़ी हुई है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, कहीं कम है, कहीं जीरो भी हो गई है. ये एन की वैल्यू पे डिपेंड करती है. अगर n की वैल्यू 1 है तो पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहां पे है, जहां पे ये प्लॉट की मैक्सिमम हाइट है. तो एट x इज इक्वल टू a बाय 2 पार्टिकल हैज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम साई स्क्वायर की वैल्यू है एंड साई स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. फॉर n इज इक्वल टू 2 पार्टिकल हैज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एट 2 प्लेसेस. कहां कहां पे? x इज इक्वल टू 1 बाय 4 पे, a बाय 4 पे एंड x इज इक्वल टू 3a बाय 4 पे. इसी तरह आप आगे निकालेंगे तो n इज इक्वल टू 3 के लिए प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 3 जगह पे होती है एंड n इज इक्वल टू 4 के लिए प्रोबेबिलिटी 4 जगह मैक्सिमम होती है. एंड दिस इज द प्लॉट ऑफ साई स्क्वायर वर्सेस डिस्टेंस. Now we have to consider certain problems related to particle in one-dimensional box. ये कुछ ऐसी problems हैं जो net के exam में भी आती हैं. तो हैं तो बहुत easy problems, but फिर भी एक बार थोड़ा सा बस समझने की ज़रूरत है. तो the first question is find the difference in second and first excited state energies for a particle in one-dimensional box. देखिए अब इसमें सबसे पहले जो एक important चीज़ ध्यान रखने की है वो ये है कि वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए n इज इक्वल टू 1 तो ग्राउंड स्टेट होता है. ये कह रहा है क्वेश्चन में सेकंड और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का डिफरेंस निकालना है. तो हमें देखना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी होती है, n इज इक्वल टू 2. सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल ऐसी होती है जिसमें n इज इक्वल टू 3 होता है. सो डिफरेंस हमें n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3 के बीच में निकालना है. तो अब तो इजी हो गया क्वेश्चन. e इज इक्वल टू, इसके लिए हमारी e की वैल्यू क्या हो गई, 4h स्क्वायर अपॉन 8m स्क्वायर एंड ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए हो गई 9h स्क्वायर अपॉन 8m स्क्वायर. डेल्टा e निकालना है, डेल्टा e विल बी इक्वल टू e2 माइनस e1. हमेशा जब हम डेल्टा e का डिफरेंस निकालते हैं तो बड़े में से छोटी माइनस करते हैं. दिस इज इक्वल टू 9h स्क्वायर अपॉन 8m स्क्वायर माइनस 4h
4 h square upon 8 ma square and it comes out to be h square upon 5 h square upon 8 ma square. चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं. द वेव फंक्शन ऑफ अ क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ a इज गिवन बाय साई इज इक्वल टू a साइन पाई बाय a इनटू x. फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर अ बॉक्स ऑफ लेंथ 200 नैनोमीटर. आपको a की वैल्यू निकालनी है पार्टिकल के लिए. तो हमें पता है कि फॉर वन डायमेंशनल बॉक्स द वैल्यू ऑफ साई इज रूट टू बाय ए साइन पाई बाय ए इनटू एक्स. क्योंकि ए की जो वैल्यू हमने निकाली थी अगर आप ध्यान दें पीछे डेरिवेशंस में तो इट कम्स आउट टू बी रूट टू बाय ए वेयर ए इज द लेंथ ऑफ द बॉक्स. सो ए इज इक्वल टू रूट टू बाय ए एंड दिस इज इक्वल टू 2 बाय 200 एंड इट कम्स आउट टू बी 0.1 नैनोमीटर माइनस हाफ. एक और प्रॉब्लम है. देखिए इन यूनिट्स ऑफ h स्क्वायर बाय 8 ml स्क्वायर फाइंड द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन लेवल्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू 3 एंड 2 नोड आइगन फंक्शन फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास m इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ l. देखिए ये क्वेश्चन भी है तो बड़ा इजी लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है. देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि ऐसे एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस निकालना है जिनमें 3 एंड 2 नोड्स प्रेजेंट है. हमने पीछे देखा था, देखिए स्लाइड नंबर 13 पे नंबर ऑफ नोड्स का जो फॉर्मूला था दैट इज n माइनस 1. तो n की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी. 3 नोड्स के लिए हमारी n की वैल्यू 4 आ जाएगी एंड 2 नोड्स के लिए n की वैल्यू 3 आ जाएगी. अब n इज इक्वल टू 3 के लिए हमें एनर्जी पता है. 3 के लिए एनर्जी क्या हो गई 9 h square upon 8 ml square और 4 के लिए क्या हो गई 16 h square upon 8 ml square. तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 7 h square upon 8 ml square. हमें h square upon 8 ml square की फॉर्म में ही आंसर देना था तो आंसर इज इक्वल टू 7 h square upon 8 ml square. ये टॉपिक पढ़ने के लिए आप देखिए फिजिकल केमिस्ट्री बाय एटकिंस कंसीडर कर सकते हैं. Then Introduction to Quantum Mechanics by A.K. Chandra and Principles of Physical Chemistry by D.R. Puri, L.R. Sharma and Madan S. Pathania. ये काफी अच्छी बुक्स हैं. मैं पठानिया बेसिकली सजेस्ट करूंगी लास्ट वाली बुक क्योंकि ये आपके नेट एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छी बुक है. मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं आप लोगों के लिए, 4 और 5 क्वेश्चंस. तो आप लोग प्लीज इन्हें कोशिश करिएगा इन क्वेश्चंस को पढ़ के और करने की. इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर एक्सेप्टेबल एज वेव फंक्शंस. अब ये हमने डिस्कस किया है. देखिए हमने ग्राफ की फॉर्म में डिस्कस किया है, अब ये आपको इक्वेशन की फॉर्म में आया है तो अब आपको ये आना चाहिए. आप करिए सॉल्व और मुझसे पूछिए. नहीं आएगा तो आप मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगी. The second question is calculate the ground state energy of an electron confined to move in a box of length 1 angstrom. आपको एनर्जी निकालनी है जिसमें आपको a की वैल्यू गिवन है दैट 1 angstrom. तो आप एनर्जी निकाल लीजिए. The third question is which of the following is an orthogonal set of wave functions. ये हमने डिस्कस किया था शुरू में जब हमने बताया था कि वेव फंक्शंस कौन कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, वहां हमने ऑर्थोगोनल कंडीशन को भी डिस्कस किया था. द नेक्स्ट इज द वेव फंक्शन फॉर अ पार्टिकल इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ l इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन. सिंपल है कि जिस बॉक्स की लेंथ l है उसके लिए वेव फंक्शन किस एक्सप्रेशन से दिया जाएगा. लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक ये. द वैल्यू ऑफ थर्ड एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ a इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन. ये तो अभी हमने पीछे न्यूमेरिकल्स में भी कई बार कर लिया है. थैंक यू. आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा. इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू.